कांग्रेस में पलायन का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी रहे सैयद जाफर ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सैयद जाफर मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव के साथ मीडिया पैनलिस्ट रहे हैं। आज मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में जाफर ने बीजेपी की सदस्यता ली। सैयद जाफर ने इससे पहले अपने इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल को बदल दिया था। आज मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में जाफर ने बीजेपी की सदस्यता ली। सैयद जाफर के साथ दमोह व पन्ना सहित अन्य क्षेत्र के 64 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। बता दें कि पिछले दिनों कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच सैयद जाफर ने बीजेपी के पक्ष में कई पोस्ट किए थे। उन्होंने सीएए का भी समर्थन किया था। आज एक पोस्ट में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि पुरानी यादें। इसके बाद वे आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी की लहर चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जाफर और भाजपा कांग्रेस के गढ़ को कैसे जिता पाते हैं। क्या छिंदवाड़ा में कांग्रेस की विजय रथ को रोक पाएगी या नहीं? क्या कांग्रेस इस चुनाव में भी छिंदवाड़ा में बीजेपी को पटखनी देगी?